सही कंपनी मिल गई है, तो अब हमें सही तरीके से किस प्रकार से काम करना है। वैसे तो मेनोज जी ने सारी चीजें आपको बता रखी हैं, लेकिन मैं रिपीट कर देता हूँ आप जो बताओगे उसे। शुरुआत में देखिए, हमारा एक ही काम रहता है। शुरुआत में हम लोग भी जो प्रोडक्ट परचेज करते हैं वो हम घर में कंज्यूम करें, और दूसरा हमारा काम ये होना चाहिए कि कंज्यूम करने के साथ साथ में हमारे अड़ोस पड़ोस में जो लोग हैं उनको हम लोग इस प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा सा बताएं। बताएं, इस प्रोडक्ट का टेस्ट करवाएं उनको, ताकि हमारी थोड़ी रिटेलिंग हो। एक तो ये काम, एक हमारा टारगेट होना चाहिए कि हमारे प्रोडक्ट की थोड़ी रिटेलिंग हो, और दूसरा हमारा टारगेट होना चाहिए कि मेरे नीचे एक टीम बने, लोग मेरे साथ में गए। जैसे राजेश जी अभी बिजनेसमैन की बातचीत कर रहे थे, तो बिजनेसमैन के पास में वर्किंग आवर्स ज्यादा हैं क्योंकि उनके साथ में टीम है, लोग हैं, तो हमारे साथ में भी टीम बनेगी तो हम लोग बिजनेसमैन की कैटेगरी में आ पाएंगे। तो ये दोनों काम बखूबी होते रहे, यानी हमारा रिटेलिंग भी हो और हमारा नेटवर्किंग भी बढ़ता रहे। बढ़ता रहे। उसके लिए हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, यूनिक एजुकेशन सिस्टम है, जिसमें आरसीएम बिजनेस के 20 साल के अनुभव का निचोड़ है, तो सीनियर लीडर्स ने हमें एक प्रोग्राम दिया है। उस प्रोग्राम को हम बोलते हैं 6 बेसिक। 6 by 6। 6 काम अगर हम लोग करेंगे तो ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट दोनों काम होने लग जाएंगे। क्या क्या? रिटेलिंग भी होने लग जाएगी और नेटवर्किंग भी होने लग जाएगी। फोकस रह के इन 6 कामों को हमें करना है। बिल्कुल संक्षेप में इनके बारे में मैं बातचीत करना चाहूंगा। पहला काम क्या करना है? पहला काम करना है, हिंदी में लिखने की कोशिश कर रहा हूं, उत्पादों का इस्तेमाल करें और क्या करें सर? उनको लोगों के साथ साझा ओके, करें। उत्पादों का इस्तेमाल करें, साझा करें और डिस्प्ले वाल खोलें। तो 3 काम करने हैं एक पॉइंट में। उत्पादों का इस्तेमाल करने का मतलब यह है कि 100% इस्तेमाल करें। जैसे राजेश जी अभी आपके सामने थे, तो ऊपर से नीचे आसियम में थे, मैं ऊपर से नीचे सूट से लेके सॉक से लेके पैंट सब कुछ शर्ट से लेके सब कुछ मैं आसियम में हूं। तो पहला काम हमें यही करना है कि जो भी सामान आरसीएम में है वो हमारे घर में होना चाहिए। तो वो एक कमिटमेंट, आपके कमिटमेंट दिखाती है, और सामने वाला व्यक्ति जिससे भी आप बातचीत करेंगे, और आप जो बोलते हैं ना कि आप 100% आरसीएम के प्रोडक्ट हैं घर में, चाय पत्ती आरसीएम की है, दालें आरसीएम की है, खाने का तेल आरसीएम का है, तो फिर सामने वाले व्यक्ति को कुछ ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो मतलब उत्पादों का इस्तेमाल करने का मतलब है 100% प्रोडक्ट यूज करने। हमने साझा करें, जब भी आपको मौका मिले प्रोडक्ट के बारे में बातचीत करने की, तो आपने हेजिटेट नहीं करना है, आपने संकोच नहीं करना, आपने बात करनी है प्रोडक्ट के बारे में। डिस्प्ले वाल खोलें। डिस्प्ले वाल हमारे यहाँ पे कॉन्सेप्ट है और बहुत प्रभावशाली कॉन्सेप्ट है। इसके लिए आपको क्या करना है, आपने सेंटर से एक साथ में 10,000 रुपए का सामान खरीदा। 10,000 रुपए का एक बार आपने सामान खरीदा और उस सामान का डिस्प्ले आपने अपने घर में, जैसे जनरली हमारे यहाँ पे एक बैठक होती है जिसको ड्राइंग रूम हम कहते हैं, वहां पे अच्छे से एक कोने में आप उसको प्रोडक्ट को डिस्प्ले कर दीजिए, तो उसको हम बोलते हैं डिस्प्ले वाल। तो उसके फायदे क्या होंगे? उसका एक फायदा तो आपको ये होगा, जैसे ही आप डिस्प्ले वाल खोलेंगे तो आपको कंपनी एक नंबर प्रोवाइड करवाएगी, डिस्प्ले वाल का नंबर और पासवर्ड। उसके बाद में आप अपनी टीम के लोगों का बिल अपने घर पे बैठे बैठे बना सकते हैं, और छोटा मोटा सामान पिकअप सेंटर पे जाने की जरूरत नहीं है, आपके पास में है तो आप अपनी टीम के लोगों को दे सकते हैं। और दूसरा उसका सबसे बड़ा फायदा क्या है कि आपकी अपलाइन में जो लोग हैं उनका आपके ऊपर में फोकस तभी आएगा जब आपने डिस्प्ले वाल खोली हुई, आपके घर में डिस्प्ले वाल है, तो उसको समझ आ जाता है कि यार ये व्यक्ति सीरियस है। और डिस्प्ले वाल नहीं है तो फिर उनका उतना फोकस आपके पास में नहीं आता, तो अपलाइन का ध्यान आकर्षित कर सकते हैं आप डिस्प्ले वाल खोल। तो ये काम हमने करना है, आसान है, हो जाएगा, हमारे हाथ में है, पड़ोसी से सलाह करने की जरूरत है किसी से कुछ करने की जरूरत नहीं, सब हम हमारे हाथ में। दूसरा काम, दूसरा हमने करना है, अपने सपनों की वह जानकार लोगों की सूची बनाना। सूची बनाए,
अंग्रेजी में हम इसको बोलेंगे मेक ए लिस्ट ऑफ ड्रीम्स एंड प्रोस्पेक्ट्स। सपनों की सूची हमें इसलिए बनानी है क्योंकि सपनों से हमें ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है। एक कहावत है कि जिस प्रकार बगैर ईंधन के कोई भी वाहन नहीं चल सकता, उसी प्रकार बगैर सपनों के कोई भी व्यक्ति जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकता। तो ड्रीम हमेशा एनर्जी का काम करते हैं। मैं आप सबको ये भरोसा दिलाना चाहता हूं, आपके जो भी सपने हैं, जो भी आप सोच सकते हैं ना, आज से मिलने से उनको पूरा कर सकते हैं। और ऐसे हजारों लोग हैं जो अपनी सपनों की जिंदगी आरसीएम बिजनेस के माध्यम से जी रहे हैं और लाखों लोग उस कड़ी में सामने हैं। मैं बहुत ईमानदारी के साथ में अगर मैं बातचीत करूं आपसे, जब मैंने आरसीएम बिजनेस ज्वाइन किया, सुदेश साथ में है, तो हम लोग मतलब हम जिस सर्कल में रहते हैं ना वैसी सोच होगी आपकी, उससे बड़ा आप सोच ही नहीं सकते। अगर एक आम आदमी से जिसके पास में साइकिल है उससे अगर आप बोलो ना कि भाई तेरे को कार कौन सी लेनी है, तो वो भी बोलेगा कि मारुति 800 दे दो, क्योंकि उससे बड़ी कि ने सोच है उसको मालूम ही नहीं कौन कौन सी होती। तो जब हमने आरसीएम बिजनेस ज्वाइन किया उस समय अगर परमात्मा ये कहते ना कि भाई बोलो कैसे जिंदगी चाहिए, तो हम जैसा सोच भी नहीं सकते थे, ऐसी गाड़ी, ऐसा घर, इतना बैंक बैलेंस, वो वाली जिंदगी आरसीएम बिजनेस ने हमें 5 साल में ही दे दी। और मैं आपको, मुझे आपकी सोच नहीं मालूम कितनी बड़ी सोच है, लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूँ जितना बड़ा सोचेंगे आरसीएम बिजनेस ना दे दे। तो उसके लिए बस आपको एक काम करना है, आरसीएम बिजनेस में हमारे यहाँ पे डायरी आती है, आरसीएम के पेन आते हैं, एक बढ़िया सी वो रजिस्टर लीजिए आरसीएम का, और आरसीएम के पेन के साथ में उसमें लिख दीजिए हमने घर में एक फैमिली ड्रीम बुक बना रखी है, और कुछ नहीं है लिखा उसमें, सिर्फ क्या लिखते हैं, अपने ड्रीम्स लिखते हैं कि हमें जिंदगी में क्या क्या चाहिए, और ड्रीम्स को फिर गोल्स में कन्वर्ट करना होता है, लक्ष्यों में उनको परिवर्तित करना होता है, उनके पीछे डेट डाल देते हैं तो जनरली वो लक्ष्य में परिवर्तित हो जाते हैं, फिर उसमें थोड़ा स्पष्टता लेके आनी होती है। तो वो बात के विषय है। तो अभी आपने क्या करना है, आरसीएम का एक रजिस्टर लेना है, और उसमें जो भी आपको चाहिए, जो भी दिमाग में आता है कि भाई आरसीएम में आ गए, आरसीएम को ये माने हम कि आपके सामने एक वो वृक्ष होता है ना जिसके नीचे बैठने से आदमी की हर मुराद पूरी हो जाती है, कल्प वृक्ष के सामने आ गए आप, और बस आप जो मर्जी आता है वो लिखते चले जाइए, धीरे धीरे उनको हम लोग आगे कन्वर्ट करते चले जाएंगे। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट काम है, तो वो किया जा सकता है, यस वो कीजिए। उसके बाद में क्या करना है, जानकार लोगों की सूची बनानी, जितने भी हमारे जानकार लोग हैं उनकी सूची बनानी। यहाँ पे टास्क रहता है, टास्क ये रहता है ज्वाइनिंग के 7 दिन के अंदर पांच सौ लोगों की सूची बनानी है। एक छोटा सा सवाल है सर। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये हमारी टीम में एक कल्चर होना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति ज्वाइन हुआ है, अगर वो आज ज्वाइन हो गया है सोमवार को, तो अगले सोमवार तक उसकी 500 लोगों की सूची उसकी बननी चाहिए। ये टास्क हमारा होना चाहिए। अब जो लोग कहते हैं कि जी मेरी सूची नहीं है, मैं लोगों को नहीं जानता हूं, तो देखिए हमारे फोन में, हम सब फोन रखते हैं, तो हमारे फोन में बहुत सारे नंबर होते हैं, तो हम सिंपल उन नंबरों को हम लोग देखिए, एक डायरी तो हमने, एक रजिस्टर हमने लगाया आरसीएम बिजनेस का, जिसमें हमने अपने सपने लिखने और कुछ नहीं लिखना, खाली छोड़ना है बस। एक हमने रजिस्टर लगाना है, जैसे स्कूल में पढ़ते थे ना, तो ये मैथमेटिक्स का है, ये साइंस का है, ये भूगोल का है, तो वैसे हमने कुछ उस प्रकार से थोड़ा सीरियसली काम करना है। तो उसमें हमने क्या करना है, जो नंबर हमारे फोन में है उन नंबरों को हमने रजिस्टर में उतारना है। जब भी हम लोग लिस्ट बनाते हैं तो चार चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए। पहली चीज, लिस्ट हमेशा डायरी में, रजिस्टर में या एक्सेल सीट में होनी चाहिए। कई बार हम दिमाग में बना लेते हैं, उसको बताऊंगा, उसको बताऊंगा, उसको बताऊंगा, तो दिमाग में तो 70 चीजें आती है, पहली बात में आएगी वो पहले वाली डिलीट हो जाएगी। तो पहली चीज, आपने उसको डायरी में या एक्सेल सीट में बनाना है। दूसरी चीज, लिस्ट बनाते समय आपने किसी को भी परिजज नहीं करना,
ये नहीं सोचना कि यार ये तो खरीदेगा ही नहीं, ये तो जुड़ेगा ही नहीं, ये तो निकम्मा है, ये तो नालायक है, इसके बाद तो इतना पैसा, कुछ नहीं करना। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आपने 500 ऐसे लोगों के नाम लिखने हैं जो सामान खरीदेंगे आपके साथ में जुड़ेंगे, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं 500 लोगों के नाम लिखने, नाम तो परिजन नहीं करना, ये होगी दूसरी बात। तीसरी बात ये होगी कि आपने लिस्ट को एरिया वाइज बनाना है। जी एरिया वाइज कैसे बनाएंगे, जैसे हम लोग उत्तम नगर में रहते हैं तो हमने उत्तम नगर के जितने भी लोग हैं उनको मान लेते हैं, हम लोग 20 लोगों को जानते हैं तो उत्तम नगर के 20 लोगों को लिखा हमने, फिर हमने ऊपर लिखा द्वारका, अब द्वारका में हम 7 लोगों को जानते हैं तो 7 लोगों के नाम द्वारका में लिख दिए, फिर हमने लिखा रोहिणी, रोहिणी में हम 4 लोगों को जानते हैं रोहिणी के लिख दिए। तो ऐसे एरिया वाइज हमें लिस्ट बनानी है। इसका मल्टीपल बेनिफिट्स हैं इसके, एक तो जब अलग अलग नाम लिखोगे तो आपको ध्यान में आ जाएगा रोहिणी में और कौन जानकार है, यू नो यूपी में कौन जानकार है, बिहार में भी कोई रहता है क्या जानकारी में, तो इस प्रकार से वो फायदा होगा। दूसरा ये होता है कि जब हमारी फिजिकल मीटिंग्स होती हैं, जैसे रोहिणी में कोई मीटिंग, आपको सूचना मिली कि रोहिणी में मीटिंग है, तो आपने वो पेपर निकाला रोहिणी वाला और आपको लगा 7 लोग हैं, 7ों को आपने फोन करके वहां पे सेंटर पे भेज दिया, तो इस प्रकार से आपने एरिया वाइज बनानी। चौथा जो पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और वो पॉइंट कहता है आपकी लिस्ट हमेशा बढ़ती रहनी चाहिए, लिस्ट शुड बी इन ग्रोइंग मोड। इसको हम लोग कहते हैं कि लिस्ट आपकी जिंदा होनी चाहिए, मुर्दा लिस्ट नहीं होनी चाहिए। जिंदा लिस्ट वो है जिसमें आप नाम ऐड करते जा रहे हैं। तो जो राजेश जी का प्रश्न था, अक्सर लोग ऐसा बोलते हैं, तो उनके साथ में राजेश जी बढ़िया तरीका क्या रहे कि हम लोग उनके पास में बैठ के बोले कि चलो मैं आपकी हेल्प करता हूं, तो उनकी हेल्प हम लोग करें और इस प्रकार से एरिया वाइज हम लिस्ट बनाए। उसमें बड़ी अच्छी टेक्निक है जिसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं, उसको बोलते हैं जोगर टेक्निक। जोगर टेक्निक ये कहती है कि जैसे हमने लिस्ट बना रहे हैं तो अचानक हमें एक वर्ड ध्यान में आया, दाढ़ी वाले लोग। अच्छा। तो हमारे सर्कल में जिनकी दाढ़ी है ना, तो वो हम याद करेंगे, यार दाढ़ी वाला कौन है मेरे सर्कल में, तो दाढ़ी वाले लोग याद आ जाएंगे। फिर हम लोग लिखेंगे कि हाइट वाले लोग, लंबू थोड़े लंबे टाइप के लोग कौन कौन है मेरे सर्कल में, तो वो याद आ गए। फिर ऐसा बोला कि जो थोड़े टकले लोग हैं वो कौन कौन है, तो वो याद आ गए। तो थोड़ा मोटे लोग, थोड़ा पतले लोग, तो ऐसे ऐसे कर करके ना हम लोग जा सकते हैं। तो बड़ी अच्छी टेक्निक है, बड़ी इफेक्टिव टेक्निक है जोगर टेक्निक उसमें। और हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें, हम लोग जैसे शादी की कोई एल्बम है हमारी पुरानी। अच्छा। तो शादी की एल्बम उठाई तो उसमें बहुत सारे नाम हमको भूल गए थे, लेकिन दिखा कि यार ये तो उसका फोटो आ गया, अपना स्कूल का फोटो आ गया, 50 बच्चे थे तो वो कहीं ध्यान में आ गए, शादी में बुलाया था किसी को वो भूल गए थे तो वो आ गए, तो वो एक तरीका हो सकता है। व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं आपके बहुत सारे, उन वो हो सकते हैं। देखिए पहले अगर कोई आदमी ये कहता ना कि भी मेरे पास नाम नहीं है तो समझ में आती हूँ, आज तो नामों ने परेशान कर रखा है, हर 2 मिनट में कोई ना कोई नोटिफिकेशन आ जाता है व्हाट्सएप। तो आप नाम नहीं जानते ना, उनके नंबर लिख लीजिए, फोन कीजिए, बात कीजिए कि जी फला ग्रुप में आप भी हैं मैं भी हैं तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, या वो कभी पोस्ट डालता है तो बोल दीजिए आप बड़े अच्छे अच्छे पोस्ट डालते हैं तो मुझे लगा मैं आपसे बातचीत करूं, पहली बार में बस इतनी बात करनी, रिलेशन बिल्डअप करना है थोड़ा सा। तो लिस्ट मेरा एक और मानना है राजेश जी कि अगर हम लोग एक व्यक्ति से शुरुआत में सारे काम नहीं करवा पा रहे ना तो उस पर हमें ज्यादा एनर्जी लगाने की जरूरत नहीं। वो हमारे बार बार कहने से अगर 500 लोगों की लिस्ट नहीं बना रहा है ना, तो मतलब काम तो करें हम, लेकिन हम उसको उसके साथ में तभी तक करें जब तक तो कोई ऐसा अल्टरनेटिव नहीं मिल जाता है, क्योंकि सीरियसनेस तो चाहिए ना। जी तो ये सीरियसनेस का सब्जेक्ट है। अब लिस्ट बन गई, मान लेते हैं हम लोग 500 लोगों की हमारी लिस्ट बन गई है। अब लिस्ट को भी 3 कैटेगरी में हमें डिवाइड करना होता है। सबसे पहले होती है हमारी कोर्ट लिस्ट, 500 लोगों में से जो हमें लगा कि यार इनसे जल्दी हमें बातचीत करनी चाहिए तो उनको हमने हॉट लिस्ट बनाने में लिख लिया, 50 लोग छाट लिए 500 में से कि पहले इनसे बातचीत करनी है। फिर होती है एक लिस्ट जिसको हम बोलते हैं वार्म लिस्ट, जिनको सेकंड नंबर पे 50 के बाद में जिनका नंबर लगेगा, और एक होती है कोल्ड लिस्ट। कोल्ड लिस्ट में कौन से नाम होंगे, चूंकि आपको ये टास्क दिया है, आपको काम दिया है 500 लोगों के लिखने और आपने फॉर्मेलिटी के खराब कुछ ना कुछ तो होता कहीं ना कहीं, तो अच्छी कंपनी मिल गई तो इसलिए मैं कामयाब हो गया और बहुत सारे लोग कामयाब हो गए, तो आप तो बहुत सौभाग्यशाली अपने आप को माने कि बहुत अच्छी कंपनी के साथ में आप जुड़े हुए हैं। अब इससे नेक्स्ट लेवल पे आता हूं, मैं थोड़ी सी बातचीत ये करना चाहता हूं कि अगर
हमें हमें सही कंपनी मिल गई है, तो अब हमें सही तरीके से किस प्रकार से काम करना है। वैसे तो मिनोज जी ने सारी चीजें आपको बता रखी हैं, लेकिन मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, आप जो बताओगे उसमें। शुरुआत में देखिए, हमारा एक ही काम रहता है शुरुआत में। हम लोग जो प्रोडक्ट परचेज करते हैं वो हम घर में कंज्यूम करें, और दूसरा हमारा काम ये होना चाहिए कि कंज्यूम करने के साथ साथ में हमारे अड़ोस पड़ोस में जो लोग हैं उनको हम लोग इस प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा सा बताएं। बताएं, इस प्रोडक्ट का टेस्ट करवाएं उनको, ताकि हमारी थोड़ी रिटेलिंग हो। एक तो ये काम, एक हमारा टारगेट होना चाहिए कि हमारे प्रोडक्ट की थोड़ी रिटेलिंग हो, और दूसरा हमारा टारगेट होना चाहिए कि मेरे नीचे टीम बने, लोग मेरे साथ में जाए। जैसे राजेश जी अभी बिजनेसमैन की बातचीत कर रहे थे, तो बिजनेसमैन के पास में वर्किंग आवर्स ज्यादा हैं क्योंकि उनके साथ में टीम है, लोग हैं, तो हमारे साथ में भी टीम बनेगी तो हम लोग बिजनेसमैन की कैटेगरी में आ पाएंगे। तो ये दोनों काम बखूबी होते रहे, यानी हमारा रिटेलिंग भी हो और हमारा नेटवर्किंग भी बढ़ता रहे। उसके लिए हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, यूनिक एजुकेशन सिस्टम है, जिसमें आरसीएम बिजनेस के 20 साल के अनुभव का निचोड़ है, तो सीनियर लीडर्स ने हमें एक प्रोग्राम दिया है। उस प्रोग्राम को हम बोलते हैं 6 बेसिक। 6 बेसिक्स 6 काम अगर हम लोग करेंगे तो ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट दोनों काम होने लग जाएंगे। क्या क्या? रिटेलिंग भी होने लग जाएगी और नेटवर्किंग भी होने लग जाएगी। फोकस रह के इन 6 कामों को हमें करना है। बिल्कुल संक्षेप में इनके बारे में मैं बातचीत करना चाहूंगा। पहला काम क्या करना है? पहला काम करना है, हिंदी में लिखने की कोशिश कर रहा हूं, उत्पादों का इस्तेमाल करें और क्या करें सर? उनको लोगों के साथ साझा करें। उत्पादों का इस्तेमाल करें, साझा करें और डिस्प्ले वाल खोलें। तो 3 काम करने हैं एक पॉइंट में। उत्पादों का इस्तेमाल करने का मतलब ये है कि 100% इस्तेमाल करें। जैसे राजेश जी अभी आपके सामने थे, तो ऊपर से नीचे आसियम में थे, मैं ऊपर से नीचे सूट से लेके सॉक से लेके पैंट सब कुछ शर्ट से लेके सब कुछ मैं आसियम में हूं। तो पहला काम हमें यही करना है कि जो भी सामान आरसीएम में है वो हमारे घर में होना चाहिए। तो वो एक कमिटमेंट, आपके कमिटमेंट दिखाती है, और सामने वाला व्यक्ति जिससे भी आप बातचीत करेंगे, और आप जो बोलते हैं ना कि आप 100% आरसीएम के प्रोडक्ट हैं घर में, चाय पत्ती आरसीएम की है, दाने आरसीएम की है, खाने का तेल आरसीएम का है, तो फिर सामने वाले व्यक्ति को कुछ ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो मतलब उत्पादों का इस्तेमाल करने का मतलब है 100% प्रोडक्ट यूज करने हमने। साझा करें, जब भी आपको मौका मिले प्रोडक्ट के बारे में बातचीत करने की, तो आपने हेजिटेट नहीं करना है, आपने संकोच नहीं करना, आपने बात करनी है प्रोडक्ट के बारे में। डिस्प्ले वाल खोलें। डिस्प्ले वाल हमारे यहाँ पे कॉन्सेप्ट है और बहुत प्रभावशाली कॉन्सेप्ट है। इसके लिए आपको क्या करना है, आपने सेंटर से एक साथ में 10,000 रुपए का सामान खरीदा। 10,000 रुपए का एक बार आपने सामान खरीदा और उस सामान का डिस्प्ले आपने अपने घर में, जैसे जनरली हमारे यहाँ पे एक बैठक होती है जिसको ड्राइंग रूम हम कहते हैं, वहां पे अच्छे से एक कोने में आप उसको प्रोडक्ट को डिस्प्ले कर दीजिए, उसको बोलते हैं डिस्प्ले वाल। तो उसके फायदे क्या होंगे? उसका एक फायदा तो आपको ये होगा, जैसे ही आप डिस्प्ले वाल खोलेंगे तो आपको कंपनी एक नंबर प्रोवाइड करवाएगी, डिस्प्ले वाल का नंबर और पासवर्ड। उसके बाद में आप अपनी टीम के लोगों का बिल अपने घर पे बैठे बैठे बना सकते हैं, और छोटा मोटा सामान पिकअप सेंटर पे जाने की जरूरत नहीं है, आपके पास में है तो आप अपनी टीम के लोगों को दे सकते हैं। और दूसरा उसका सबसे बड़ा फायदा क्या है कि आपकी अपलाइन में जो लोग हैं उनका आपके ऊपर में फोकस तभी आएगा जब आपने डिस्प्ले वाल खोली हुई है, आपके घर में डिस्प्ले वाल है, तो उसको समझ में आ जाता है कि यार ये व्यक्ति सीरियस है। और डिस्प्ले वाल नहीं है तो फिर उनका उतना फोकस आपके पास में नहीं आता, तो अपलाइन का ध्यान आकर्षित कर सकते हैं आप डिस्प्ले वाल खोल। तो ये काम हमने करना है, आसान है, हो जाएगा, हमारे हाथ में है, पड़ोसी से सलाह करने की जरूरत है किसी से कुछ करने की जरूरत नहीं, सब हम हमारे हाथ में। दूसरा काम, दूसरा हमने करना है अपने सपनों की वह जानकार लोगों की सूची बनाना।
सूची बनाई। अंग्रेजी में हम इसको बोलेंगे मेक ए लिस्ट ऑफ ड्रीम्स एंड प्रोस्पेक्ट्स। सपनों की सूची हमें इसलिए बनानी है क्योंकि सपनों से हमें ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है। एक कहावत है कि जिस प्रकार बगैर ईंधन के कोई भी वाहन नहीं चल सकता, उसी प्रकार बगैर सपनों के कोई भी व्यक्ति जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकता। तो ड्रीम हमेशा एनर्जी का काम करते हैं। मैं आप सबको ये भरोसा दिलाना चाहता हूं, आपके जो भी सपने हैं, जो भी आप सोच सकते हैं ना, आज से मृदंग सुर को पूरा कर सकते हैं। और ऐसे हजारों लोग हैं जो अपनी सपनों की जिंदगी आज से मृदंग के माध्यम से जी रहे हैं, और लाखों लोग उस कड़ी में सामने हैं। मैं बहुत ईमानदारी के साथ में अगर मैं बातचीत करूं आपसे, जब मैंने आज से मृदंग ज्वाइन किया, सुदेश साथ में है, तो हम लोग मतलब हम जिस सर्कल में रहते हैं ना, वैसी सोच होगी आपकी, उससे बड़ा आप सोच ही नहीं सकते। अगर एक आम आदमी से जिसके पास में साइकिल है, उससे अगर आप बोलो ना कि भाई तेरे को कार कौन सी लेनी है, तो वो ये बोलेगा कि मारुति 800 दे दो उसे, क्योंकि तो उससे बड़ी कि ने सोच है उसको मालूम ही नहीं कौन कौन सी होती। तो जब हमने आरसीएम ज्वाइन किया उस समय, अगर परमात्मा ये कहते ना कि भाई बोलो कैसी जिंदगी चाहिए, तो हम जैसा सोच भी नहीं सकते थे, ऐसी गाड़ी, ऐसा घर, इतना बैंक बैलेंस, वो वाली जिंदगी आरसीएम बिजनेस ने हमें 5 साल में ही दे दी। और मैं आपको, मुझे आपकी सोच नहीं मालूम कितनी बड़ी सोच है, लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूँ जितना बड़ा सोचेंगे आरसीएम बिजनेस ना दे दे। तो उसके लिए बस आपको एक काम करना है, आरसीएम बिजनेस में हमारे यहाँ पे डायरी आती है, आरसीएम के पेन आते हैं, एक बढ़िया सी वो रजिस्ट्री लीजिए आरसीएम का, और आरसीएम के पेन के साथ में उसमें लिख दीजिए हमने घर में एक फैमिली ड्रीम बुक बना रखी है, और कुछ नहीं है लिखा उसमें, सिर्फ क्या लिखते हैं, अपने ड्रीम्स लिखते हैं कि हमें जिंदगी में क्या क्या चाहिए, और ड्रीम्स को फिर गोल्स में कन्वर्ट करना होता है, लक्ष्यों में उनको परिवर्तित करना होता है, उनके पीछे डेट डाल देते हैं तो जनरली वो लक्ष्य में परिवर्तित हो जाते हैं, फिर उसमें थोड़ा स्पष्टता लेके आनी होती है। तो वो बात के विषय है। तो अभी आपने क्या करना है, आरसीएम का एक रजिस्टर लेना है, और उसमें जो भी आपको चाहिए, जो भी दिमाग में आता है कि भाई आरसीएम में आ गए, आरसीएम को ये माने हम कि आपके सामने एक वो वृक्ष होता है ना, जिसके नीचे बैठने से आदमी की हर मुराद पूरी हो जाती है, कल्प वृक्ष के सामने आ गए आप, और बस आप जो मर्जी आता है वो लिखते चले जाइए, धीरे धीरे उनको हम लोग आगे कन्वर्ट करते चले जाएंगे। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट काम है, तो वो किया जा सकता है, यस वो कीजिए। उसके बाद में क्या करना है, जानकार लोगों की सूची बनानी, जितने भी हमारे जानकार लोग हैं उनकी सूची बनानी। यहाँ पे टास्क रहता है, टास्क ये रहता है ज्वाइनिंग के 7 दिन के अंदर पांच सौ लोगों की सूची बनानी है। एक छोटा सा सवाल है सर। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये हमारी टीम में एक कल्चर होना चाहिए जी, कि कोई भी व्यक्ति ज्वाइन हुआ है, अगर वो आज ज्वाइन हो गया है सोमवार को, तो अगले सोमवार तक उसकी 500 लोगों की सूची उसकी बननी चाहिए। ठीक है, ये टास्क हमारा होना चाहिए। अब जो लोग कहते हैं कि जी मेरी सूची नहीं है, मैं लोगों को नहीं जानता हूं, तो देखिए हमारे फोन में, हम सब फोन रखते हैं, तो हमारे फोन में बहुत सारे नंबर होते हैं, तो हम सिंपल उन नंबरों को हम लोग देखिए, एक डायरी तो हमने, एक रजिस्टर हमने लगाया आरसीएम बिजनेस का, जिसमें हमने अपने सपने लिखने हैं और कुछ नहीं लिखना, खाली छोड़ना है बस। एक हमने रजिस्टर लगाना है, जैसे स्कूल में पढ़ते थे ना, तो एक ये मैथमेटिक्स का है, ये साइंस का है, ये भूगोल का है, तो वैसे हमने कुछ उस प्रकार से थोड़ा सीरियसली काम करना है। तो उसमें हमने क्या करना है, जो नंबर हमारे फोन में है उन नंबरों को हमने रजिस्टर में उतारना है। जब भी हम लोग लिस्ट बनाते हैं तो 4 चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए। पहली चीज, लिस्ट हमेशा डायरी में, रजिस्टर में या एक्सेल सीट में होनी चाहिए। कई बार हम दिमाग में बना लेते हैं, उसको बताऊंगा, उसको बताऊंगा, उसको बताऊंगा, तो दिमाग में तो 70 चीजें आती है, पहली बात में आएगी वो पहले वाली डिलीट हो जाएगी। तो पहली चीज, आपने उसको डायरी में या एक्सेल सीट में बनाना है। दूसरी चीज,
लिस्ट बनाते समय आपने किसी को भी प्रिजज नहीं करना, प्रिजज ये नहीं सोचना कि यार ये तो खरीदेगा ही नहीं, ये तो जुड़ेगा ही नहीं, ये तो निकम्मा है, ये तो नालायक है, इसके बाद तो इतना पैसा, कुछ नहीं करना। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आपने 500 ऐसे लोगों के नाम लिखने हैं जो सामान खरीदेंगे आपके साथ में जुड़ेंगे, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं 500 लोगों के नाम लिखने, नाम लिखने। तो परिजन नहीं करना, ये होगी दूसरी बात। तीसरी बात ये होगी कि आपने लिस्ट को एरिया वाइज बनाना है। जी जी, एरिया वाइज कैसे बनाएंगे, जैसे हम लोग उत्तम नगर में रहते हैं तो हमने उत्तम नगर के जितने भी लोग हैं उनको मान लेते हैं, हम लोग 20 लोगों को जानते हैं तो उत्तम नगर के 20 लोगों को लिखा हमने, फिर हमने ऊपर लिखा द्वारका, अब द्वारका में हम 7 लोगों को जानते हैं तो 7 लोगों के नाम द्वारका में लिख दिए, फिर हमने लिखा रोहिणी, रोहिणी में हम 4 लोगों को जानते हैं रोहिणी के लिख दिए। तो ऐसे एरिया वाइज हमें लिस्ट बनानी है। इसका मल्टीपल बेनिफिट्स हैं इसके, एक तो जब अलग अलग नाम लिखोगे तो आपको ध्यान में आ जाएगा रोहिणी में और कौन जानकार है, यू नो यूपी में कौन जानकार है, बिहार में भी कोई रहता है क्या जानकारी में, तो इस प्रकार से वो फायदा होगा। दूसरा ये होता है कि जब हमारी फिजिकल मीटिंग्स होती हैं, जैसे रोहिणी में कोई मीटिंग, आपको सूचना मिली कि रोहिणी में मीटिंग है, तो आपने वो पेपर निकाला रोहिणी वाला और आपको लगा 7 लोग हैं, 7 को आपने फोन करके वहां पे सेंटर पे भेज दिया। तो इस प्रकार से आपने एरिया वाइज बनानी। चौथा जो पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और वो पॉइंट कहता है आपकी लिस्ट हमेशा बढ़ती रहनी चाहिए, लिस्ट शुड बी इन ग्रोइंग मोड। इसको हम लोग कहते हैं कि लिस्ट आपकी जिंदा होनी चाहिए, मुर्दा लिस्ट नहीं होनी चाहिए। जिंदा लिस्ट वो है जिसमें आप नाम ऐड करते जा रहे हैं। तो जो राजेश जी का प्रश्न था, अक्सर लोग ऐसा बोलते हैं, तो उनके साथ में राजेश जी बढ़िया तरीका क्या रहे कि हम लोग उनके पास में बैठ के बोले कि चलो मैं आपकी हेल्प करता हूं, तो उनकी हेल्प हम लोग करें और इस प्रकार से एरिया वाइज हम लिस्ट बनाए। उसमें एक बड़ी अच्छी टेक्निक है जिसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं, उसको बोलते हैं जोगर टेक्निक। जोगर टेक्निक ये कहती है कि जैसे हमने लिस्ट बना रहे हैं तो अचानक हमें एक वर्ड ध्यान में आया, दाढ़ी वाले लोग। अच्छा। तो हमारे सर्कल में जिनकी दाढ़ी है ना, तो वो हम याद करेंगे, यार दाढ़ी वाला कौन है मेरे सर्कल में, तो दाढ़ी वाले लोग याद आ जाएंगे। फिर हम लोग लिखेंगे कि हाइट वाले लोग, लंबू थोड़े लंबे टाइप के लोग कौन कौन है मेरे सर्कल में, तो वो याद आ गए। फिर ऐसा बोला कि जो थोड़े टकले लोग हैं वो कौन कौन है, तो वो याद आ गए। तो थोड़ा मोटे लोग, थोड़ा पतले लोग, तो ऐसे ऐसे कर करके ना हम लोग जा सकते हैं। तो बड़ी अच्छी टेक्निक है, बड़ी इफेक्टिव टेक्निक है जोगर टेक्निक। उसमें और हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें हम लोग जैसे शादी की कोई एल्बम है हमारी पुरानी। अच्छा। तो शादी की एल्बम उठाई तो उसमें बहुत सारे नाम हमको भूल गए थे, लेकिन दिखा कि यार ये तो उसका फोटो आ गया, अपना स्कूल का फोटो आ गया, 50 बच्चे थे तो वो कहीं ध्यान में आ गए, शादी में बुलाया था किसी को वो भूल गए थे तो वो आ गए, तो वो एक तरीका हो सकता है। व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं आपके बहुत सारे, उन वो हो सकते हैं। देखिए पहले अगर कोई आदमी ये कहता ना कि भी मेरे पास नाम नहीं है तो समझ में आती, आज तो नामों ने परेशान कर रखा है हर 2 मिनट में कोई ना कोई नोटिफिकेशन आ जाता है व्हाट्सएप, तो आप नाम नहीं जानते ना, उनके नंबर लिख दीजिए, फोन कीजिए, बात कीजिए कि जी फला ग्रुप में आप भी हैं मैं भी हैं तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, या वो कभी पोस्ट डालता है तो बोल दीजिए आप बड़े अच्छे से पोस्ट डालते हैं तो मुझे लगा मैं आपसे बातचीत करूं, पहली बार में बस इतनी बात करनी है, रिलेशन बिल्डअप करना है थोड़ा सा। तो लिस्ट मेरा एक और मानना है राजेश जी कि अगर हम लोग एक व्यक्ति से शुरुआत में सारे काम नहीं करवा पा रहे ना तो उस पर हमें ज्यादा एनर्जी लगाने की जरूरत नहीं है। वो हमारे बार बार कहने से अगर 500 लोगों की लिस्ट नहीं बना रहा है ना, तो मतलब काम तो करें हम, लेकिन हम उसको उसके साथ में तभी तक करें जब तक तो कोई ऐसा अल्टरनेटिव नहीं मिल जाता, क्योंकि सीरियसनेस तो चाहिए ना जी। तो ये सीरियसनेस का सब्जेक्ट है। अब लिस्ट बन गई, मान लेते हैं हम लोग 500 लोगों की हमारी लिस्ट बन गई है। अब लिस्ट को भी 3 कैटेगरी में हमें डिवाइड करना होगा। सबसे पहले होती है हमारी कोर्ट लिस्ट, 500 लोगों में से जो हमें लगा कि यार इनसे जल्दी हमें बातचीत करनी चाहिए तो उनको हमने होट लिस्ट बना में लिख लिया, 50 लोग छाट लिए 500 में से कि पहले इनसे बातचीत करनी है। फिर होती है एक लिस्ट जिसको हम बोलते हैं वार्म लिस्ट, जिनको सेकंड नंबर पे 50 के बाद में जिनका नंबर लगेगा। और एक होती है कोल्ड लिस्ट। कोल्ड लिस्ट में कौन से नाम होंगे, चूंकि आपको ये टास्क दिया है, आपको काम दिया है 500 लोगों के लिखने, और आपने फॉर्मेलिटी के